दुनिया के सारे काम दूर और परे रखकर सबसे ज्यादा आनंदनीय काम कर लिया मैं। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। सो आज है 17th of September एंड अभी 7 बज रहे हैं। मैंने अभी शावर लिया है, तो प्लीज़ डोंट माइंड माई हेयर, निकाल ही लेते हैं इसको। आज पता क्या हुआ, मैंने मॉर्निंग में अलार्म लगाया था 5:30 बजे का। बेसिकली अलार्म तो बहुत सारे लगाए थे, मुझे उठना 6:30 पे थे, बट मैंने लगाना शुरू 5:30 से करा था। यू नो, एक मन को संतावना मिल जाती है 5:30 बजे का। आप अब जब अलार्म बंद करते हो तो हाँ अभी 1 घंटा है, लेकिन उठना 6:30 बजे ही है। तो पहले 5:30 बजे का अलार्म बजा, बंद करा, 6 बजे का अलार्म बजा, बंद करा, 6:30 बजे का अलार्म बजा, बंद करा, फिर 5 बजे खुद ही 5 मिनट बाद खुद ही उठ गई। तो फाइनली आई टुक अ शावर एंड आज है मेरा एग्ज़ाम 17th of September। आज है मेरा एग्ज़ाम 17th of September एंड मैंने सोचा क्यों नहीं शूट करते हैं अ डे इन माई लाइफ व्लॉग। आज का शूट करते हैं, पूरा वीक नहीं, आज का सिर्फ अ डे इन माई लाइफ। एंड इसके साथ मैंने सोचा क्यों नहीं शूट करते हैं कि हाउ माई एग्ज़ाम इज़ गोइंग टू बी इन अ मिडल ऑफ अ पेंडेमिक। जस्ट मैंने शावर ली है, अभी थोड़ा सा काम करना है, मुझे प्रिपरेशन करनी है, लाइक एडमिट कार्ड एंड ऑल रखना है। देन आई हैव माई ब्रेकफास्ट और उसके बाद थोड़ा सा रिविजन करूँगी एंड देन आई कैच यू अलॉन्ग विद मी। सो येस, स्टे ट्यून्ड। सो यूजुअली जब मैं बाहर जाती हूँ तो छोटा वाला सैनिटाइजर का बॉटल लेके जाती हूँ, बट आज मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा मुझे आवश्यकता पड़ने वाली है सैनिटाइजर की। सो सी, मैंने यहाँ क्या लेकर रखी, बड़ी बॉटल निकाली है आज। मैंने कहा चलो भाई ट्राई आउट करते हैं बड़ी वाली, मैं बेसिकली इतना तो फिल इन कर ही लूँगी और फिर देखते हैं कि कितनी की ज़रूरत पड़ती है। सो येस, जल्दी से इसे फिल करते हैं। 1, 2, 3, टडा। सो मैंने इसमें सैनिटाइज़र फिल इन कर लिया है। यूजुअली हम मेरे घर में क्या है, मेरे घर में बड़ी वाली जो कैंस होती है ना, शायद 5 लीटर्स की, वही हम लोगों ने रख रखी है। लेट मी जस्ट ब्रिंग इट हियर। सो लाइक ये वाली कैंस हम लोगों ने रख रखी है, इसी से हम लोग सबकी बॉटल्स, जितनी सैनिटाइज़र की बॉटल्स हैं या ओवरऑल बॉटल्स हैं, वो फिल इन करते रहते हैं। लाइक एक ओवरऑल बॉटल जब कोई घर से बाहर से घर में आता है, एंड उसके अलावा सबकी जो छोटी वाली बॉटल्स है ना स्प्रे वाली, वो सब हम लोग फिल इन करके रख लेते हैं। फ्लिप करना पड़ता है बार बार। सो अब ये डन हो गया, अब मैं जल्दी से मिट्टी अंडा ढेर को क्लीन करूँगी एंड थोड़ा सा मम्मा की हेल्प करूँगी घर की साफ़ सफाई में, एंड देन मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट करके थोड़ा सा रिविजन करूँगी और तुरंत निकल लूँगी। सो यस, मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ। ओके, सो वी हैव ढोकला इन आर ब्रेकफास्ट, तो मैं ये जल्दी खा लूँगी। सो आई रीच माई कॉलेज एंड अब मैं क्लासेस की तरफ जा रही हूँ। सो बेसिकली मेरा मोटिव ये है कि मुझे देखना है कि इनके सेफ्टी मेजर्स क्या हैं, बेसिकली जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी है ना, कि सेफ्टी मेजर्स के तहत रहकर उसके अंदर रहकर सारी चीज़ें करी जाएंगी। सो मुझे वही देखना है, तो यहाँ पर थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है, सो वही देखते हैं। तो अभी मैं तो जल्दी से क्लास जाती हूँ एंड फिर एग्ज़ाम ओवर होता है तो मिलते हैं। ऑल राइट, नाउ द व्लॉग अपडेट। सो जस्ट अभी मैं अपनी एग्ज़ाम देकर आई एंड गेस वॉट, मतलब आज एग्ज़ाम देने के लिए सिर्फ और सिर्फ इकलौती मैं बैठी थी वहाँ, कोई भी नहीं, लाइक पूरा क्लास खाली था। इट वॉज, आई डोंट नो, शायद बच्चों ने, मतलब एक और ऑप्शन था बच्चों के पास कि दिसंबर भी में भी एग्ज़ाम्स अटेम्प्ट कर सकते हैं, शायद उसके लिए छोड़ा हो। बट उसके अलावा और जो दूसरे सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स थे वो बरेली से कोई नहीं था एग्ज़ाम देने के लिए। सो दैट वॉज द अपडेट। और जो सेफ्टी मेजर्स थे, दैट वॉज जस्ट अ सिंपल सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंसिंग, वही 1-1 सीट स्किप करके बैठने के लिए था और कुछ खास नहीं था। सो अब मैं जाऊँगी घर, पहले मैं कुछ खाऊँगी, मुझे बहुत तेज़ वाली भूख लग रही है, फिर मैं जाऊँगी घर एंड देन देखते हैं। एग्ज़ाम देने के बाद भाई साहब ऐसा लगता है ना जैसे जो सर पे जो तलवार लटक रही थी ना वो खिसक गई है, हट गई है। सो अभी के लिए तो मैं फ्री हो गई हूँ, बट 15 दिन बाद अभी फिर से एग्जाम। इट इज़ 2:00 राइट नाउ, कॉलेज से आके मेरा इतना भयंकर वाला हेडेक हो रहा था, मैंने बस 1 बोल ऑफ दाल खाई है एंड आई वाज ऑल सेट। और अब मैं जा रही हूँ सोने, थोड़ा हेडेक कम हुआ है, मैं 1 आवर से 2 आवर आई गेस सोंगी एंड देन आई विल कैच यू आफ्टर दैट। बाय बाय। आई जस्ट गॉट अप, अभी भी उठी नहीं हूँ, बेड पे लाए कर रही हूँ। 4 बज गए, सिर्फ मैं 40 मिनट सोई हूँ गिनती के, इधर देखना है, इधर गिनती के 40 मिनट सोई हूँ मैं, मतलब 2 बजे क्या है करवट इधर करवट 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 करवट, नींद ही नहीं आई। और अब मैं मतलब करीबन 3 बजे सोई हूँ और अभी 4 बज,
क्या 4:15 समथिंग लाइक दैट हो रहा है। अब मैं उठूँगी क्योंकि ज़्यादा देर लेटने से आई फील, दोपहर में लेटने से इंसान लेथार्जिक हो जाता है, उठने का दिल नहीं करता। पर अब मैं उठूँगी, मिट्टी अंडा डेरी को क्लीन करूँगी, ब्लैक टी बनाऊँगी और आज मुझे थोड़ा काम करना है और वो काम मैं बताऊँगी कि क्या काम। तो उठती हूँ यार, मिलूँगी अभी मैं थोड़ी देर में। ऑलराइट, सो मैं मिट्टी अंडा को क्लीन कर आई हूँ एंड अपनी कॉफ़ी भी बना ली है मैंने, ब्लैक कॉफ़ी। अब मैं इसे पीऊँगी और अपना इंपॉर्टेंट काम करेंगे। और उससे पहले मेरा एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट काम है, हम वो भी करेंगे। बट गर्मी देख रहे हो भाई साहब, इतनी कसम से इतनी कड़ी गर्मी हो रही है सितंबर के महीने में। पसीना देख रहा, देख नहीं रहा होगा बट बहुत पसीना है यार, बहुत पसीना है, बहुत गर्मी हो रही है। ओके भाई, तो अब हम करेंगे सबसे पहले अपना बहुत 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 इंपॉर्टेंट वाला काम और वो है ये। अब हम करेंगे ये, और ये दुनिया का भाई साहब सबसे ज़्यादा आनंदनीय और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम, बहुत इम्पोर्टेंट। दुनिया के सारे काम दूर और परे रखकर सबसे ज़्यादा आनंदनीय काम कर लिया मैंने, अब मैं अपना मेन काम करूँगी। हाँ जी, तो मेरा जो इम्पोर्टेंट काम था वो ये था। एक तो ये चश्मा फिसल फिसल के नीचे आ जाता है, तो मेरा जो इम्पोर्टेंट काम था वो ये था। मुझे अराउंड 1 मंथ हो चुका है मैंने मेकअप यूज़ नहीं कराया यार। मतलब मैंने फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में जो वीडियो शूट करी थी, 23 सितंबर तक जो वीडियोज़ आई वो सब मैंने, सॉरी अगस्त तो थी, और आज 3rd वीक ऑफ सितंबर हो गई, मैंने अभी तक कोई मेकअप यूज़ नहीं करा है। मेरा सारा मेकअप उल्टा सीधा पड़ा हुआ है, मुझे वो सब ठीक से थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करना है। मैं चीज़ें जब तक ऑर्गेनाइज नहीं पाती हूँ तब तक मैं पागल हो जाती हूँ। मुझे हर चीज़ उसे अपनी प्लेस पे रखना बहुत पसंद है, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके यूज़ करना बहुत पसंद है। मैं वीडियो शूट करने वाली हूँ तो उसके लिए भी मुझे थोड़ा सा मेकअप निकालना है, बट उससे पहले मैं जितना भी सारा मैस हो रखा है वो सब क्लीन करूँगी अपने मेकअप का। थोड़ा सा मैं स्नीक पीक देती हूँ कि क्या मैस है, वही सब क्लीन करूँगी। इसी में ही अच्छा खासी टाइम लग जाएगा, तो बस यही सब क्लीन करूँगी एंड इसे क्लीन करने के बाद मैं वो मेकअप निकालूँगी जो मैं अपनी वीडियो शूट्स में यूज़ करूँगी। तो बस वो काम करेंगे एंड देखते हैं फिर कितना का टाइम लगता है। फिर उसके बाद मुझे अपना वर्कआउट करना है, ब्लैक टी, मैंने कॉफ़ी बोला था शायद, नहीं ब्लैक कॉफ़ी नहीं, मैं ब्लैक टी पी रही हूँ। ब्लैक टी पीने के बाद वर्कआउट करना है। फोकस फोकस फोकस। सो दिस इज़ हाउ माई मेस लुक्स राइट नाउ, मतलब आप देख सकते हो कि कितना मेस है। सो मैं इसे जल्दी से क्लीन करूँगी। इसी में मेरी कहीं कॉफ़ी भी खोई, ये है कॉफ़ी कह रही हूँ, टी कॉफ़ी, न जाने क्यों जबान पे तो कॉफ़ी लगा रहता है। सो मैं इसे जल्दी से क्लीन करूँगी, 1, 2 and 3। टडा, सब कुछ क्लीन हो गया, सब कुछ क्लीन हो गया है और आप देख सकते हो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, है ना, चमक रही हूँ बिल्कुल, ये नेचुरल ग्लो है, पसीना है। पीछे वो सब समेटा हुआ सामान है जितना भी, पता है अभी बज रहा है 6:00 और मुझे, मैं 4:30 बजे मैंने शायद शुरू किया था, पूरा 1.5 घंटा लग गया सब कुछ समेटते, मतलब 1.5 घंटा यार, मैंने ना हाफ आवर हो गया। आज मैं वर्कआउट भी नहीं कर पाई, मेरा वर्कआउट मिस हो गया। मतलब हम लोग, मेरे कबर्ड में इतना ज़्यादा ये कार्डबोर्ड वाला डब्बा और कचरा भरा था, लाइक इतने ऑइंटमेंट्स हैं और सबके सिर्फ और सिर्फ डब्बे डब्बे भरे पड़े हैं। इतने छोटे छोटे से ऑइंटमेंट्स हैं और क्रीम्स हैं बट उनके बॉक्सेस इतनी इतनी जगह घेर के बैठते हैं। तो मैंने आज सारे बॉक्सेस निकाले, मैंने कहा हटो निकलो सब, तुम लोग डालती हूँ थोड़े दिन, मैं सोचती हूँ अब ये यूज़ करूँगी मैं, फिर थोड़े 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 दिन होते जाते हैं वो खिसकता जाते वापस जाके वो कोने में रख जाता है, मैं उस क्रीम को यूज़ ही नहीं कर पाती हूँ। सो फाइनली मैंने कुछ क्रीम्स निकाली हैं यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग, सो आई वॉज जस्ट एडिटिंग माई व्लॉग और मैंने सोचा, देखा बेसिकली कि मैं व्लॉग को एंड करना कल भूल गई, तो व्लॉग को मैंने सोचा ये शुभ कार्य आज ही कर देते हैं, अभी कर देते हैं। सो यस, मैं व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। दैट वॉज द डे इन माई लाइफ। और बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ, एंड बहुत सारे व्लॉग्स आने वाले हैं, तो यस कंटिन्यू वॉचिंग मी। सो यस, आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योर्स, आई लव यू गाइज अ लॉट।